गुजरात ने पिछले हफ्ते एक गोल्डलॉक्स चुनाव देखा था के रूप में। चुनाव के परिणाम सिर्फ सही थे, बीजेपी ने दो दशकों से पहले राज्य को शासन करने के बाद छठे समय में जीत हासिल की। बहुमत जीतने के लिए सामान्य विरोधी असंतुलन के बावजूद जो इतने लंबे समय बाद सेट हो जाते हैं, यह एक प्रमुख उपलब्धि है। राजनयिक और विवादास्पद नीतिगत फैसले जैसे कि प्रमोटरेटेशन और जीएसटी के बावजूद प्रधानमंत्री की अपील अब भी बरकरार है। ऐसा लगता है कि जैसे ही सोनिया राहुल की पीठ जाती है, गुजरात अपने ही पुत्र मोदी को भी पीछे छोड़ देता है। बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश जीता, सीटों में लगभग दो तिहाई सीटें जीती। कुल मिलाकर यह भाजपा के लिए फिर से उत्सव का समय है। हालांकि चीजें ठीक नहीं हुई क्योंकि भाजपा उन्हें चाहती थी। गुजरात में जीत का अंतर कुछ महीने पहले उत्तर प्रदेश की तरह नहीं था, जहां भाजपा ने 75% सीटों पर कब्जा कर लिया था। गुजरात में भाजपा ने कुल 182 सीटें जीती थी या कुल 54% सीटें जीती थी। कांग्रेस ने 77 जीत ली, हालांकि एक हारने वाला आंकड़ा एक धोना नहीं है। चित्रण अजित नानन। कई लोग सोचा कि गुजरात भाजपा के लिए सबसे सुरक्षित राज्य होगा। कोई बात नहीं, आप जो भी करते हैं वे गुजराती लोग भाजपा का समर्थन करते रहेंगे क्योंकि मोदी, अच्छा मोदी, लेकिन राज्य में भाजपा के पास एक काकवाल नहीं था। क्या हुआ कि भाजपा भाग्य के संयोजन, बेहतर बूथ स्तर प्रबंधन, कांग्रेस के विश्वास की कमी से जीता कि वे वास्तव में इस जीत पा सकते हैं और मोदी की राजनीतिक जातियां राहुल की तुलना में अधिक होती हैं। दूसरे शब्दों में यह मुश्किल से लड़े और मुश्किल जीतने वाला चुनाव था कि कांग्रेस भी जीत सकती थी यदि एक दर्जन से अधिक विधानसभा सीटें दूसरे तरीके से चली गई और